फर्जी गीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू फर्जी गीक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं यहां पर अपने चैनल में। गाइज, आज आपके लिए लेकर आया हूं नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम यहां पर बात करेंगे लीजेंडरी फोन नोकिया 3310 की। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, नोकिया 3310 का वॉलपेपर है। तो आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं नोकिया 3310 की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नोकिया 3310 यहाँ पर मार्केट में आज लॉन्च हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल हो गया है। अभी ये फोन ऑनलाइन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अभी आपको ऑफलाइन मार्केट में ये फोन इजीली अवेलेबल रहेगा। तो आज हम पांच ऐसी चीजें की बात करेंगे, आपको मैं यहाँ पर पांच पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे आपको नोकिया जो 3310 है वो परचेज करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है वो है आपका प्राइस। प्राइस की बात करें तो नोकिया 3310 ने अपना प्राइस सेम रखा है, जो मॉडल नंबर है वही प्राइस है, 3310 इसका प्राइस है। यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइस है, जैसा फ़ोन है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी हाई प्राइस है। सेकंड आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसमें कोई फास्ट इंटरनेट नहीं है, ना ही 3G है, ना ही 4G है, ना ही LTE सपोर्ट है। इसके अंदर खाली 2G इंटरनेट चल रहा है। आप ठीक सुन रहे हैं, जियो के ज़माने में आप 2G के साथ फ़ोन लॉन्च कर रहे तो मुश्किल ही चलेगा। ये था इसका जियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थर्ड यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट है वही ऐप्स है इसके अंदर रहेंगी। व्हाट्सएप तक नहीं प्रोवाइड किया है यहाँ पर, तो डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना मार्केट में। हालांकि अगर आप ख़रीदना चाहें इसको लीजेंडरी एज अ गिफ्ट या एज अ जस्ट अ शो पीस, तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही सेम फ़ोन यहाँ पर आपको 1000 रुपये में ईजिली इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैमरा। कैमरा तो आप भूल जाइए, इस फोन का जो कैमरा है उसको तो आप रहने ही दीजिए। कैमरा यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, पता नहीं क्लियरिटी कैसा होगा कैसी नहीं होगी, तो कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसकी स्क्रीन की। डिस्प्ले 2.5 इंचेस की है, कुछ खास नहीं है। रेजोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है, 240x320 का रेजोल्यूशन दे रहे हैं, जो आज के ज़माने में ना के बराबर। 3000 में यहाँ पर जियो प्लान कर रहा है एक नया फ़ोन लाने की, 4G सपोर्ट एंड ऑल के साथ। अराउंड 1500 में वो प्लान कर रहा है सब। यहाँ पर नोकिया की जो कंपनी है जिनको उन्होंने सेल किया हुआ है, यहाँ पर प्लान कर रही है 3300 रुपये में ये क्लासिक एक पुराना फ़ोन को रिडिज़ाइन करके सेल करने के। लेट्स सी क्या होता है। बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा रहेगा, बैटरी बैकअप 1 से 2 दिन इसका चल जाएगा, तो वो देख सकते हैं आप। बाकी ड्यूरेबल डिज़ाइन है, रिलायबल हो सकते हैं इसके ऊपर। एज सेकेंडरी फ़ोन मैं अपने एंड से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए, क्योंकि यही सेम फ़ोन आपको इसे ऐसे ही फीचर्स के साथ 1000 से 1500 रुपये में इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर जो फीचर्स है वो सेम नोकिया की रिंगटोन मिलेगी आपको, जो पुराने फोन्स में आती थी। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो रहेगी वो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है, लास्ट में ब्लैक एंड वाइट था। बटन्स हैं इसमें, की पैड है, बाकी सब वही सेम रहेगा। कुछ खास नहीं लॉन्च किया गया, जो उम्मीद थी उससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं, जो उम्मीद हमने लगा के रखी थी 3310 से, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा। तो मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही लें। अगर आपको जैसे शॉपीस लेना है या जस्ट रखने के लिए लेना है तो आप जा सकते हैं साथ। बाकी आपने देखा है कौन से प्रोसेस, आप डिसाइड करिए आपको फ़ोन लेना है नहीं लेना। तो बाकी वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।